उसके बाद शुरू करते हैं। ओके ओके ओके। ठीक है। ओके तो स्क्रीन विजुअल है ना मेरी? बोलो। यस यस ओके ठीक है। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने कुछ किया है यहाँ पे डेटाबेस में, कुछ प्रैक्टिस करी किसी ने? किसी का डाउनलोड हुआ, किसी ने किया थोड़ा बहुत स्टार्ट? मैम, मैंने किया था बट वो उसमें अब रन होने में प्रॉब्लम आ रही है। तो सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड हो गया है ना आपका, यस मैम। रन होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसमें शो कर रहा है एरर? मैम जो ये एरर शो ही नहीं कर रहा, रन ही नहीं हो रहा, जो आप जहाँ से आपने बोलना रन होगा करके वहाँ से रन हो ही नहीं रहा है। डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा ना आपका। आपने लैपटॉप में डाउनलोड किया है या फिर किसी लैब के कंप्यूटर में डाउनलोड किया आपने? लैपटॉप पर अच्छा, तो ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा कि क्या इश्यू आ रहा है आपके लैपटॉप में। तो ऐसा करो, आप लोग एक्टिकल लैब आप जानते हो ना कि कहाँ है, सर की लैब? यस हाँ, तो आप लोग सिंपली बस वहाँ जाओ, वहाँ मैम है, सर है, वो आपको हेल्प करेंगे ना। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको नहीं बता सकती कि क्या एरर आ रहा है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ रह गया डाउनलोड होने में। ओके ठीक है, और किसी ने किया? मोहित, आपने किया क्या? नो मैम। मैम क्यों, क्या एंड आपके एंड से क्या प्रॉब्लम हो रही है? सिस्टम नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो आप अपने कॉलेज के लैब में नहीं चला सकते हो क्या? मैम अभी कॉलेज गए ही नहीं है, पर मंडे से कॉलेज जाएंगे ना। कॉलेज तो खुल गई है आपकी? हाँ कॉलेज तो खुले हैं, हम नहीं गए हैं अभी। अच्छा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ जाकर आप प्रैक्टिस करो। ओके मैम। हाँ, मैंने तो बहुत दिन से बोल रखा है कि आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अरे एक बार ये पूरा कोड भेज देना, आज कॉपी करके एक बार और। ठीक है, आज मैं लास्ट करूंगी, इसका एंड कर देते हैं हम, ज़्यादा कुछ अब बचा पूरा नहीं है। पूरा मैं पूरा, कोड भेज। हाँ, मैं भेज दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ठीक है। एक जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, किसी को याद है मैंने कौन सा फंक्शन बनाया था लास्ट टाइम? हमने ये टोटल रेट वाला कुछ बनाया था ना, कहाँ गया? इधर नहीं है क्या? ये दिख रही है लाइन 262 है ना प्रियंका? हमने ये फंक्शन क्रिएट किया था ना, याद है?
मैम, कैसे किया था आप एक बार बताओ बस, मैंने खोल रखा है, आप रीडिंग करके बता दो कि आप अपने जो जो बच्चे उस टाइम नहीं थे आप उनको बता दो, समझा दो कि हमने कैसे क्रिएट किया था। इसमें हमने क्वांटिटी और उसके प्राइस को इंटू किया था। जैसे कोई है जिसने टू क्वांटिटी में कुछ सामान लिया है तो उसको हमने उसके प्राइस के साथ इंटू कर दिया था, तो उसका टोटल रेट हमें पता चल गया था। ओके हाँ ठीक है, बस इतना ही है। जैसे कि क्या होता है, आप जैसे किसी भी स्टोर में जाते हो तो आपने दो तीन चीज़ें खरीद ली, एक ही मान लो शुगर का पैकेट आपने दो खरीदा और दो दो नमक के पैकेट खरीद लिए, तो हम टोटल रेट कैसे लिखते हैं, जो क्वांटिटीज आपने ली उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस से, तो हमारा टोटल रेट आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इस वाले को टेबल में क्या है, हमारा आइटम वाला जो टेबल है उसमें आप देख रहे होंगे कि हमारा प्राइस भी है और जीएसटी रेट है, यानी कि जो शुगर में जीएसटी रेट क्या लग रहा है, 12% लग रहा है, ये है। ठीक है, अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे, देख लेते हैं कि टोटल जीएसटी हमारा कितना हो रहा है। अभी तो क्या है कि ये जीएसटी रेट इस वाले शुगर वाले पैकेट में इतना परसेंटेज लग रहा है, लेकिन अभी वो हम ऐड नहीं कर रहे हैं ना, वो आप बिल्स पे देखते होंगे कि इतना जीएसटी रेट है और उतना वो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो उसका एक फंक्शन बनाएंगे कि हमें पूरा बस हम अपना एक फंक्शन एक लाइन लिख देंगे कि गेट जीएसटी, उसके बाद वो हमें पूरा प्राइस के हिसाब से जितनी हमारी जीएसटी रेट है वो हमें कैलकुलेट करके एग्जैक्ट प्राइस जो टोटल जीएसटी के साथ वाली प्राइस होगी वो हमें बता देगा। ठीक है, अभी ये हमारा क्या नॉर्मल प्राइस है, मेकिंग प्राइस है, और ये हमारा इतना जीएसटी परसेंट है, तो हमें बस इन दोनों को ये वाला जो परसेंटेज है वो प्राइस में लगाना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, किसी को कुछ आइडिया है? मतलब कि मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट बता सकते हो तुम लोग कि जीएसटी रेट कैसे निकालते हैं? मैं तब बाकी का कोड लिख रही हूँ, आप लोग सोचो कि हम क्या लिख सकते हैं। कोई भी बोलो जीएसटी रेट कैसे निकालते हैं। चलो जीएसटी रेट छोड़ दो, बाकी ऐसे ही मान लो हमें क्या करना है, हमारे पास किसी बच्चे का 100 मार्क्स आया हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि उसमें आपको बस अब 100 मार्क्स का जो 20% है वो आपको उसमें ऐड करना है, ये जो आपका टोटल है, टोटल मार्क्स है ये आपका 100 हो गया, और ये आप समझ लो, अच्छा ठीक है वो प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा होगा ना, टोटल कॉस्ट में लिख देती हूँ, चलो टोटल कॉस्ट आपकी ये है या सिर्फ कॉस्ट बोल लो, और ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो टोटल टोटल प्राइस क्या होती है, कोई बताएगा कैसे हम निकालते हैं? हम क्या करते हैं सिंपली, यहाँ पे एक मैथमेटिकल मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, एक फॉर्मूला आता है, हम क्या लिखते हैं, जो हमारा अभी कॉस्ट है, कॉस्ट फिर प्लस करते हैं जो कॉस्ट है उसका हमारा परसेंटेज लिख देते हैं ना, ब्रैकेट में मैंने क्या किया 20 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे कुछ लिखते हैं क्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा ये तो, मैथ्स में बहुत पहले पढ़ाते हैं, तो बस हमें यही करना है अपना जीएसटी वाला जो फंक्शन बनाएंगे, टोटल जीएसटी प्राइस बोल लो या रेट बोल लो, उस यही वाला फॉर्मूला लगाकर हम ये फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया ना मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या बताया है? हाँ
ठीक है, ओके। तो अब मैं हम कोड लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है, जो दो दो हमारे जो दो वैल्यूज हमारी मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, एक हमारा कॉस्ट यानी कि प्राइस है, और जो परसेंटेज वाला है वो जीएसटी रेट है। तो हम ये दोनों वैल्यूज हमारी जाएंगी, तो हमने यहाँ क्या लिखा, हमारा क्या है, जीएसटी रेट है। वो हमारा क्या डबल भी हो सकता है यानी कि डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। कॉमा कर दिया। अब हमारा दूसरा क्या है, प्राइस है ना। प्राइस भी हमारी डेसिमल वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम लोग डेटा टाइप डबल ले रहे हैं उसका। ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद हमारा रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न्स डबल, डेटा टाइप डबल ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। रिटर्न क्या करेगा, अब जो हमारा प्राइस है उसको ऐड करा रहे हम किसमें, प्राइस इनटू, जो मैंने ये नीचे वाली लाइन लिखी है बस वही मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। क्या लिखा, जीएसटी रेट है हमारा डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। यही तो मैंने लिखा है नीचे, हमारा आ जाएगा टोटल रेट क्या है जीएसटी। चलो टोटल लिख देती हूँ यहाँ पर, टोटल जीएसटी है ना। बन गई क्या हमारी, तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है ना। क्या हमने लिखा कि क्रिएट अ फंक्शन, उसका एक नाम दे दिया टोटल जीएसटी रेट, फिर उसमें हमारा कौन कौन सी वैल्यू यूज होंगी, हमारी कौन सी वैल्यू जीएसटी रेट यूज होगा, जो कि जिसका डेटा टाइप डबल है और प्राइस का भी डबल है। उसके बाद हम रिटर्न कराते हैं डबल डिटर्मिनिस्टिक। उसके बाद फिर रिटर्न में हमें जो फॉर्मूला जो यूज होना चाहिए वो हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे उसने क्रिएट कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं। फॉन्ट सही है ना साइज, या और बड़ा करूं? मैम सही है। ठीक है, ओके। अब हम कोड में इसको रन करके देखते हैं हमारी वैल्यूज, वो टोटल जीएसटी वैल्यू दिखाता है या नहीं दिखाता है ना। आइटम की टेबल से मुझे क्या चाहिए, आइटम कोड ले लेते हैं। आइटम कोड ले लिया, शॉप आई वाली टेबल से आइटम नेम ले लेते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर वाली टेबल से, शॉप ऑर्डर टेबल से स्टैम्प ले लेते हैं, फिर एक बार मैं देख लेती हूँ टेबल। शॉप आई है ना ये, ठीक है। अब शॉप आई से हम प्राइस भी देख लेंगे कि हमारा प्राइस क्या लेंगे। क्वांटिटी देख लेते हैं कि हमारी क्वांटिटी क्या है, तो ऑर्डर्स में हमारा शॉप ओ डॉट क्वांटिटी उठा लिया। अब हम क्या लेंगे, अब क्या होता है, हमने रेट भी ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो शॉप यही है हमारा जीएसटी, ठीक है ना। ये कर दिया हमने। अब हम ना फंक्शन वाला लिखते हैं। अब हमने क्या नेम दिया था फंक्शन का, हमने दिया था टोटल जीएसटी, यही दिया था ना। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। चलो
टोटल जीएसटी रेट हो गया, उसके बाद इन ब्रैकेट्स हम क्या लेंगे, जीएसटी रेट लेंगे, है ना। तो हमारा शॉप आई वाली टेबल में है जीएसटी रेट, और ओके एक चीज़ क्या हुआ, यहाँ पे हम अपना जो हमने पहले एक फंक्शन बनाया था ना टोटल प्राइस वाला, जो हमने ये वाला कहाँ गया वो, ये मैंने ये फंक्शन मैंने बना रखा है ना, क्रिएट फंक्शन, ओके ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये देखो ये मैंने रन कराया था ना, एडमिशन ऑफ आइटम डज नॉट एक्सिस्ट, ओके ओके ठीक है। ये मान लो कि ये मैंने यूज़ किया था ना टोटल रेट, फिर शॉप ऑर्डर से जो क्वांटिटी थी और प्राइस थी उसको मल्टीप्लाई किया था, तो वो वाला जो टोटल रेट था वो यहाँ पे भी हम लोग फंक्शन दोनों फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, ये गए स्पेस देखकर हम लिख देते हैं जो हमारा क्या था टोटल रेट था ना, टोटल टोटल रेट ही है, ठीक है। इन ब्रैकेट्स हमने लिया था शॉप ऑर्डर से क्वांटिटी शॉपाई से प्राइस ले लिया, ठीक है क्या प्राइस, हाँ सही है। ओके तो ये हमारा हो गया, जो पहले वाला फंक्शन हमने टोटल रेट वाला फंक्शन बनाया था वो, अब हम दूसरा फंक्शन अपना यूज़ कर रहे हैं, जो टोटल जीएसटी वाला फंक्शन है वो देख रहे हैं हम, ठीक है। कॉमा कर देते, ठीक है। टोटल जीएसटी रेट, शॉप आई से हमने जीएसटी रेट ले लिया, और क्या ले रहे हैं हम प्राइस लेंगे, जो हमारा ये वाला इसने कैलकुलेट किया है ना फंक्शन से टोटल रेट वो वाला हम लेंगे टोटल रेट, ठीक है। लिखना है टोटल जो, ये हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें सेम चीजें लिखनी है, मैम आपकी वॉइस में कभी कभी दिक्कत आ रही है, कभी कम आ रही है कभी ज्यादा आ रही है। पता नहीं मुझे, आई थिंक मेरा इंटरनेट तो चल रहा है अच्छे से। नहीं मैम ये कल भी ऐसे ही कर रहा था, मेरे को भी थोड़ा था तो मैंने कल बोला नहीं, मुझे लगा शायद मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम होगी, बट आज भी ऐसे ही हो रहा है एक्चुअली। तो आई डोंट थिंक कि तो वो मेरे एंड से प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज मेरा इंटरनेट स्पीड काफ़ी नहीं अच्छी। मैम जब आप वो स्पीक करते हो मतलब दैट मीन जब आप एक्सप्लेन करते हो तब भी आती, मतलब एकाएक वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है एंड आई डोंट हाँ तो नो वो फिर। इंटरनेट प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। समझ में तो आता है ना, क्लियर हो, मतलब वॉइस तो क्लियर होती है ना। नहीं, वॉइस तो क्लियर है मैम बट एकाएक मतलब आपकी वॉइस बिल्कुल ग्लो हो जाती है। प्रॉपर सोल्यूशन तो है नहीं मेरे पास क्योंकि मेरा नेट तो सही चल रहा है, ठीक है ना। आप लोग अपने घर के उस कोने में चले जाओ जहाँ नेट चल रहा हो आपका। नहीं, मैम हमारे यहाँ तो ब्रॉडबैंड ही लगा हुआ था, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम पता नहीं, मतलब मैं बाकी क्लासेस भी करती हूँ मैम तो ऐसा होता नहीं है बाकी, आई डोंट नो। ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पे टोटल जीएसटी रेट वाला जो फंक्शन बनाया था वो यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जीएसटी रेट में क्या आ रहा है, हमने जीएसटी रेट ले लिया, और जो टोटल प्राइस था यानी कि क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके जो हमने टोटल रेट निकाला था उन दोनों, वो दोनों वैल्यूज़ हमने ली है, और वहाँ से अब जो फंक्शन वो बनाया है जो हमने क्रिएट किया है वहाँ से वो वैल्यूज़ कैलकुलेट
दे देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर्स वाले टेबल को ज्वाइन करा रहे हैं टॉप आइटम्स वाले टेबल से, ठीक है ना। ऑन हमने क्या लेना है, आई डॉट आइटम कोड के बेसिस पे हम इसको ज्वाइन कराएंगे। ओ ठीक है ना, अब रन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं एक बार। अभी देखो ये रन हो गया। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, अब हमने क्या मांगा था यहाँ पे, हाँ यहाँ से हमने आइटम कोड मांगा था, नेम मांगा था और टाइम स्टैम्प मांगी थी, फिर प्राइस क्वांटिटी जीएसटी रेट तो हमने डाल रखी थी, ठीक है। अब ये रेट आ रहा है, जो हमने रेट टोटल रेट वाला बनाया था ना फंक्शन, तो इसने क्या किया, ये जो प्राइस है और क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करके रेट हमारा दे दिया, और जो ग्रैंड टोटल आ रहा है वो हमने जो टोटल जीएसटी रेट वाली फंक्शन बनाई थी ना उससे कैलकुलेट किया है इसने, यानी कि जो हमारा टोटल रेट आ रहा है उसमें इसने 12% एड ऑन करके ग्रैंड टोटल हमारा बना दिया, ठीक है। इसने क्या किया होगा, 450 प्लस 450 इंटू 12/100, मतलब जो जीएसटी रेट है उससे मल्टीप्लाई करके उसने एड ऑन कर दिया अपने रेट में, तो ये हमारा ग्रैंड टोटल हो गया। तो ये हमारा बेसिक मतलब कि एक फंक्शन हो गया जो हमने बनाई थी और ये हमने डेटाबेस में अपने यूज़ कर लिया, ठीक है, समझ में आया। यस मैम, सबको समझ में आया, सब लोग बोलो अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। और कौन है, किसी को कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछना क्या। अभय एंड मोहित आपको समझ में आ रहा है, यस मैम, मोहित, यस मैम, आ रहा है समझ में। अभय आपने अनम्यूट तो किया है बट वॉइस नहीं आ रही आपकी, ठीक है। और कौन है, सुनील, सुमित, उपमा, आप बताओ आपको समझ में आया, कैसे यस मैम, फंक्शन क्रिएट किया हमने और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया है, यस मैम, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना किसी को, नो मैम, ओके ठीक है। एक हम और चीज़ देख लेते हैं, केस, सॉरी, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमने क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट्स वाला टेबल था ना, कहाँ गया, ठीक है। अब मान लो एक केस आता है आपके पास, आपके किसी सर ने बोला कि मुझे मेरा जो क्या नाम है, हाँ मेरा जो मतलब जो मेरे कोर्स में बच्चे होंगे उनकी एज, एज के हिसाब से वो एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि जो वो चाहते हैं कि जिनका एज 20 से कम हो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन दूंगा, बाकी बच्चों का नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक लिमिट उन्हें उन्होंने लगा रखी है कि वो एज लिमिट होनी चाहिए अप टू 20, ठीक है, या लेस देन 20 आप बोल लो। तो हम वो केस कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम मैंने लिखा कुछ चीज़ें, हमने सेलेक्ट करनी है, नेम ले लेंगे हम पहले, तो स्टूडेंट से नेम ले लिया, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, स्टूडेंट से आईडी भी ले ले रहे हैं, ओके। फिर एज भी ले लेते हैं, एज हमने दिखा दो। अब हम केस बनाते हैं, इसे हमने ब्रैकेट में लिखा, लिखते केस व्हेन स्टूडेंट्स एज इज लेस देन 20, ठीक है। देन
इन कोटेशन, नीचे लिख देती हूँ, हमने लिखा कि वो बच्चे पास हो जाएंगे, या तो एडमिशन की बात हो रही है ना, चलो एडमिशन एप्लीकेबल फॉर एस वाली मतलब हो जाएगा, चलो ठीक है, ये ठीक है। और क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वेन लगाया है, केस हमारा लग रहा है ना, केस हमने लगाया वेन स्टूडेंट्स का जो एज है, जिनकी लेस देन 20 है, तो वो हमें दिखाएगा उनकी एडमिशन डन, मतलब उनकी एडमिशन हो चुकी है। एल्स लगाते हैं, यानी कि जो बाकी बच्चे हैं जिनका एज 20 है या एबव 20 है, उनको मैं क्या कर देती हूँ, रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्टेड लिख दिया हमने। अब हम इसको एक नेम दे देंगे, एलाइज यूज़ करेंगे, रिजल्ट दे देते हैं। चलो अब हमने क्या किया, एक उसका टेम्परेरी नेम दे दिया। अब हम कुछ चीज़ें अपने ऑर्डर्स वाली टेबल से ले लेते हैं, बिकॉज़ हमें ज्वाइन कराना है। या तो एक सेकेंड, मैं दोनों इसी से देखती हूँ सिर्फ। ओके, कुछ एरर आ रहा है, चेक मैनुअल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, कुछ एरर आ रहा है, बाकी मैं ज्वाइंस के थ्रू ही कर लेती हूँ, ठीक है। हमने ज्वाइन एक उसका नाम दे दिया, अब क्या किया, कुछ चीज़ें हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर से ले लेते हैं, या तो सिर्फ ज्वाइन करा देते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट्स, सॉरी, हाँ ठीक है, या सिर्फ ज्वाइन ही लिखते हैं, चलो ज्वाइन लिख दिया। शॉप ऑर्डर ऑन, किस बेसिस पे ज्वाइन करेंगे हम, स्टूडेंट्स में हमारी जो आईडी है वो इक्वल्स टू शॉप ऑर्डर, सॉरी सॉरी सॉरी, शॉप ऑर्डर वाले टेबल में हमारा क्या है, सेम यूजर आईडी है ना, तो उसके बेस पे हम इसको ज्वाइन करा देते हैं, एंड ग्रुप बाय यूजर आईडी कर देते हैं। ठीक है, कुछ एरर आ रहा है, कहीं कॉमा छूटा है क्या, केस व्हेन रिजल्ट, क्या एरर आ रही है, देखते हैं रन करके। आप लोग बताओ क्या गलत हो रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, हमने नेम सेलेक्ट किया, आईडी सेलेक्ट की, एज सेलेक्ट किया, फिर केस लगा दिया, केस व्हेन स्टूडेंट्स एज लेस देन 20 देन एडमिशन डन, एल्स रिजेक्टेड। हाँ, यहाँ पे क्या है, हम एंड यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई केस लगाते हैं या यूज़ करते हैं तो हमेशा उसे एंड भी करते हैं, है ना, वरना आपको वो एरर आएगा। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखो हमारा क्या हुआ, उसने दिखा दिया, अब क्या है, सुमित का एज 20 था, इसने रिजेक्ट कर दिया, फिर प्रियंका का एज 21 था, इसने रिजेक्ट कर दिया, बाकी जो गौरव, विपुल एंड कैलाश हैं, उनका लेस देन 20 था, तो इसने एडमिशन डन कर दिया, ठीक है ना, केस हमने कैसे बनाया, समझ में आया। यस मैम, तो आप लोग बनाओ, अपना प्रैक्टिस करो, टेबल्स ऐसे ही क्रिएट करके अपने से कुछ भी सोच लो, कोई भी टेबल डेटाबेस आप ले लो, और कोई भी कंडीशंस आप सोच लो कि मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए। बिना ज्वाइन के नहीं होगा क्या?
हो जाना चाहिए, मैं रन करके देखती हूँ। वो मेरा एंड छूट रहा था ना, इसलिए नहीं हो रहा था। चलो ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट करके एक दूसरा देखती हूँ। ठीक है, हमने क्या क्या रिजल्ट दे दिया फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये हटा देती हूँ ये लाइन। ग्रुप बाई ठीक है, क्या ऐसे लिखेंगे ना, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं विदाउट ज्वाइन ये जाता है या नहीं जाता है। चला गया, आ गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज्वाइन लगाओ। तो केस आपको सिर्फ चाहिए तो आपको जो सेलेक्ट करके चीज़ें चाहिए, आपको जो चीज़ें देखनी है आप देख सकते हो। ठीक है ना, यस समझ में आया कैसे लिखेंगे? यस हमेशा ये छोटी छोटी चीज़ें, देखो मेरा भी एरर आता है तो मैं सीख ही रही हूँ ना, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ मेरा कॉमा छूट रहा है तो वो एरर आ जाता है, एंड छूट गया एरर आ गया। ठीक है ना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करता है ना, पूरा डेटाबेस आपका गलत हो सकता है। ठीक है, ओके, तो हम और क्या पढ़ेंगे? अब हमारा ज़्यादा कुछ बचा नहीं है वैसे तो, स्टिल देख लेते हैं क्या। ओके ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे कि हमने मैंने ये वाला स्टेटमेंट बताया था ना आप लोग को, कि ये मुझे काउंट करके बताओ कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो इसने 6 दिखाया। फिर मैंने क्या बोल पूछा इससे कि काउंट करके बताओ कि कितने यूज़र आईडी है हमारे शॉप वाले उसमें, शॉप वाले टेबल में, शॉप ऑर्डर वाले टेबल में। तो इसने दिखा दिया कि 10 यूज़र आईडी है ना। अब हम यही जो हमारा काउंट और काउंट है ना, ये हम उसमें यूज़ करेंगे, अपना स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें क्या देखना है, क्या देख सकते हैं? चलो ठीक है, हम क्वांटिटी वाइज देख लेते हैं कि किसने कितनी सब चीज़ें खरीदी है ना। तो हम लिखते हैं, मैं एक बार लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। हमने क्या सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, फिर हम यहाँ पे दो कंडीशन लगा रहे हैं तो इसलिए हम दो स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट, फिर लिख दिया सम। अब हम सम कर रहे हैं ऑर्डर्स वाले टेबल से जो क्वांटिटी था, तो हमारा शॉप ऑर्डर्स डॉट क्वांटिटी है ना, सही है। उसका एक टेम्पररी नेम दे देते हैं, एज क्वांटिटी लिख देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी लिख दिया हमने। अब क्या हुआ, हम कुछ और चीज़ें ले लेते हैं शॉप ऑर्डर से। चलो मैंने टाइम स्टैम्प भी ले लिया, मैं बोल रही हूँ मुझे टाइम स्टैम्प दिखा दो। और क्या आइटम, सॉरी शॉप आइटम है ना ये हमने लिखा है ऐसे, तो हम चाहते मुझे आइटम नेम भी दिखा दो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम ज्वाइन करेंगे फ्रॉम दोनों टेबल्स को, शॉप ऑर्डर, सॉरी हाँ ज्वाइन शॉप आइटम आई है ना, ऑन किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे आप लोग बताओ। अब मुझे ये दोनों टेबल मुझे ज्वाइन करानी है, ऑर्डर और आई आइटम। तो इतने दिन से चल रहा है, बताओ, प्रियंका को छोड़कर कोई भी बता सकता है एक्सेप्ट प्रियंका। मुझे ऑर्डर वाली टेबल और आइटम वाली, चलो मैं ओपन कर देती हूँ। ठीक है ना, मुझे अब देख के बताओ कि किस बेसिक बेस पे हम दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं।
ये मेरी ऑर्डर वाली टेबल है जिसमें आइटम को आइटम नेम प्राइस जीएसटी है, सॉरी आइटम वाला था ये ऑर्डर वाला है, यूज़र आईडी क्वांटिटी आइटम कोड स्टैम्प स्टेटस है। अब बताओ क्या मैं लिखूँ यहाँ पे, पूरा स्टेटमेंट क्या आएगा यहाँ पे। सॉरी मैम आइटम कोड कैसे लिखेंगे पूरा मुझे बताओ। बताओ कौन बता रहे हैं मुझे। कोई नहीं बताएगा, किसी को नहीं पता। शॉप आई लिखते हैं ना, पहले हम टेबल का नेम लिखेंगे फिर तो आइटम कोड लिखेंगे। आइटम कोड कहाँ से उठाएगा वो, है ना। इक्वल्स टू लिखते हैं फिर शॉप ऑर्डर लिखेंगे। फिर हमने क्या देखा, आइटम कोड लिख लिया है ना, ग्रुप बाय कर लेते हैं। ठीक है इतना तो समझ में आया मैंने क्या लिखा। आगे इसको नेम दे देते हैं, एक टेम्प्रेरी नेम दे देते हैं एज ऑर्डर्स। अब हम क्या लेंगे, वेयर एक कंडीशन लगा लेते हैं जहाँ पे हमारी क्वांटिटी ऑफ आइटम लेस देन 5 हो, है ना। हम कैसे लिखेंगे, शॉप ओ क्वांटिटी इज लेस देन 5, है ना। ठीक है अभी इतना रन करके हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा कि सेलेक्ट करो क्वांटिटी को, मतलब कि क्वांटिटी हमारा पूरा सम करके दो एज क्वांटिटी। उसके साथ मुझे टाइम स्टैम्प भी चाहिए, नेम भी चाहिए, और फिर हमने ज्वाइन कर दिया। हम उससे कह रहे हैं कि लेस देन 5 वाले जितनी जितनी मतलब क्वांटिटी है उन सबको सम करके मुझे दिखाओ, ठीक है ना। ये वाला जो क्वांटिटी है आप लोग देखो, ये हमारा यहाँ पे 10 है ना, तो ये तो मोर देन 5 है। ये सब जो लेस देन है उसको ये ऐड कर देगा, सम कर देगा। और किस बेसिस पे ये सम करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ग्रुप बाय आइटम कोड किया था ना, कि तो ये आइटम्स जितने भी आइटम्स हैं उन सब के क्वांटिटी को ये सम करेगा। उसके बाद जो लेस देन 5 आएंगे ना वो हमें दिखा देगा। देखो कुछ एरर आ रहा है मुझे पता था, अब हम चेक कर लेते कि क्या एरर आ रहा है, बिकॉज ड्रॉप क्वांटिटी इन वेयर क्लॉज। हमने क्या लगाया है, वेयर वेयर, अच्छा ठीक है। हमने इसको बोला कि ऑर्डर वाले क्वांटिटी जो है लेस देन 5 है। एक सेकेंड ये लिख के देख लेते हैं बार। जिसकी यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, क्या क्या एरर आ रहा है। देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं रन करके कुछ एरर। अच्छा क्या हमारा एरर आ रहा है, किसी को पता है। देख लो, देखो सब लोग अपना दिमाग लगाओ क्या एरर आ सकता है। मैम वो ब्रैकेट बंद नहीं किया क्या, सिलेक्ट कहाँ पे, वाला जी। यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये मैंने क्लोज कर दिया, ये वाला जो स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है, तो कौन सा ब्रैकेट रह गया हमारा। दो ही बार तो ब्रैकेट यूज किए है ना हमने।
देखो बताओ क्या हो सकता है। यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, ऐसा क्या? शॉप शॉप शॉप। वेयर लगा दिया हमने। अननोन कॉलम शॉप क्वांटिटी। आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहा है। वैसे तो ऐसे ही होता। सॉरी सॉरी, क्या हो गया। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं बेसिकली। लेट मी चेक एक बार। बेटा मैं एक बार देख लेती हूँ। देयर शुड बी एनी एरर, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। और छूट रहा था मेरा। अभी भी कुछ एरर आ रहा है क्या? क्या एरर आ रहा है? यहाँ सम लगाएंगे क्या? आई थिंक नेम का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। कोड हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे जो हमने एलाइजेस यूज़ किए हैं, नेम यूज़ किया है, उसका कुछ एरर आ रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। ये लिखा तो हमने सेलेक्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट लिखा ऑल फ्रॉम जॉइनिंग। चलो ठीक है, राइट जॉइन कर देते हैं, चेक करते हैं। पर हमने लिख दिया सम, ऑर्डर से हमने ले लिया क्वांटिटी, उसको नेम दे दिया, फिर टाइम स्टैम्प ले लिया, आइटम नेम से नेम ले लिया, फिर जॉइन कर दिया ग्रुप बाय आइटम कोड एज ऑर्डर्स। नहीं है ना, ये देखो। हाँ, आप लोग देख नहीं रहे हो, मैं भी नहीं देख रही, लेकिन इसको तो नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। ऑर्डर ही लिख देते हैं, जरूरी नहीं है। ऑर्डर लिख दिया हमने। वेयर वेयर ओके
पता नहीं कुछ एरर आ रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी कोड तो मेरा सही है। कोई ना, हम आगे पढ़ लेते हैं, इसको भी रहने देते हैं, इसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब वैसे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ये मेरे एंड से लास्ट था, ये रन नहीं हो रहा, बट कोई ना, आप लोग अब पूछ लो, कोई आपको कोई इशू है शुरू से लेके लास्ट तक को कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप लोग। बताओ, अब हमारा डेटाबेस ख़त्म हो चुका है, हमारे पास अब डेटाबेस में कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम कल से पैटर्न चलेगी क्या? हाँ, कल से पाइथन शुरू होगी आपकी, अब तो डेटाबेस हमारा ख़त्म हो गया, इतना ही था, बाकी तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा आपको। और पाइथन के लिए तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो आपके कॉलेज की टाइमिंग क्या है, एक बार बताना ज़रा मैम कल मोहित। से, कल से 3 से 4 करते हैं मैम कॉलेज, ये लेट हो जा रहा है ज्यादा ही। क्या कॉलेज की टाइमिंग क्या है आपकी? कॉलेज आ जाते हैं 2:30 बजे तक, 2 बजे तक, कभी भी, जिस दिन जो क्लास नहीं हुई तो उस दिन क्लास आ जाते हैं जल्दी, मतलब ऐसे बजे से बेसिकली, जाते मतलब 2 बजे, हैं। 10 से 2 क्लास होती है आपकी? हाँ 2:30 तक मैम, 3 से 4 सही रहेगा वैसे कल से। 3 से 4 आप बोल रहे हो, ठीक है। मैं सर से बोलती हूँ, अगर सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, हम 3 से 4 भी कर सकते हैं। आप मिस लोग सही को है ना ठीक है सब? क्या, बाकी बच्चे जो यस अबे मैम सही है, यस मैम 3 से 4 करिए। ओके ठीक है, हम अगर सारे बच्चों को ठीक है, मतलब ओके है, कोई इशू नहीं है, तो हम 3 से 4 ही कर देते हैं। और आप लोग लैब्स जाना शुरू करो, ठीक है। आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करो थोड़ा बहुत, तो हमें डेटाबेस आना चाहिए। मतलब चलो अभी कल से तो पाइथन शुरू कर देंगे हम लोग, बट स्टिल जो डेटाबेस है वो हमारा बहुत यूज़फुल होता है पाइथन में भी, है ना, तो आना चाहिए ये हमें, हम ठीक इसकी है। प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या कोड भेज दीजिएगा आप? हाँ, कोड मैं भेज दूंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। मैम कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है? आपको पाईचार्म डाउनलोड करना है फॉर पाइथन। पाईचार्म फॉर पाइथन। ओके मैम, पर्टिकुलर गूगल पे मिल जाएगा या कहाँ, कैसे डाउनलोड करेंगे? जाएगा, चलो मैं दिखा देती हूँ। मैम पाइथन के लिए पाइचाम है ना ये? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना, पाईचार्म डाउनलोड करना आपको। आप लोग क्या जाओगे यहाँ पे, सिंपली डाउनलोड्स वाला मैंने वहाँ पे ओपन किया था ना, तो ये आपको आएगा। देखो आपका विंडोज़ होगा तो ये ऑटोमेटिकली विंडोज़ में आ जाएगा, मेरा मैक है इसलिए इसने ऑटोमेटिक मैक ले लिया। फिर लिनक्स, अगर ऑटोमेटिक नहीं भी ले रहा है तो आपका जो भी सिस्टम है आप वो सेलेक्ट करो। यहाँ से कम्युनिटी वर्जन हमें डाउनलोड करना है, ठीक है ना, प्रोफेशनल वाला नहीं करना है, ठीक ओके है। आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, मेरे में तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, बट स्टिल ये दूसरा डाउनलोड हो रहा है तो मुझे नहीं करना है, मैं रोक देती हूँ। आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, ओके ओके ठीक है। मैं आज के लिए इतना ही रखती हूँ,
मैं ये लास्ट वाला कोड करेक्ट करके फिर मैं आपको कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है? मैम ये डेटाबेस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर था? डेटाबेस के लिए वर्कबेंच था ना, MySQL वर्कबेंच। अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ क्या आपका? मैम मेरी क्लासेस काफी छूट गई हैं तो मैं अभी प्रैक्टिस करूंगी। MySQL वर्कबेंच, ठीक है, यस मैम। ये वाला है। अच्छा नहीं, हाँ यही होगा, आई थिंक सो। हाँ यही है ना? यहाँ पे ओके okay. डाउनलोड्स में जाओगे, फिर नीचे MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स, उसके बाद ये हमें वर्क बेंच पे जाना है। एंड देन यहाँ पे जो भी हमारा मतलब न्यू वर्जन होगा ये आपको वहाँ पे शो करेगा, आपको जस्ट क्लिक करना है डाउनलोड्स, वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना? ओके ओके ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल से मैं सर से बात कर लेती हूँ 3 to 4, ठीक है? ओके देन, ठीक है, थैंक यू।